तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका जो पूरा परिवार भी है वो भी ठीक ठाक होगा। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, वो है लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल, जो कि मुबारकपुर में है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे। और आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट को पा करके मैं नए नए टॉपिक के ऊपर दोस्तों वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल जो कि मुबारकपुर में पड़ता है दोस्तों, जो कि हमारे काफ़ी पुराने जानकार हैं, वो उनकी बहुत रिक्वेस्ट आई मेरे पास वीडियो बनाने को लेकर के। और मैं कल उनकी दुकान पर भी गया था, वहाँ की भी मुझे वीडियो बनानी थी, लेकिन वहाँ पर कस्टमर बहुत ज़्यादा थे, हल्ला गुल्ला था, शोर था, तो मैंने वीडियो बनाई नहीं। क्योंकि इस तरह से दोस्तों वीडियो नहीं बनती, फिर अच्छी वीडियो नहीं बनती, बेकार सी वीडियो बन जाती है, क्या फ़ायदा उसको, वो देखेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज मैं एक दो वीडियो बना देता हूँ फिलहाल, बाकी दुकान में जा करके बनाऊँगा वेले टाइम में, क्योंकि काम काज भी करना पड़ता है, आप सभी को पता है दोस्तों। तो लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल दोस्तों बहुत पुरानी दुकान है, 15-20 साल पुरानी दुकान है। और जो वो दुकान के मालिक हैं वो हमारे घर के बंदे हैं, श्री रविंद्र कुमार सैनी जी। हालांकि अभी उनकी प्राइस लिस्ट किसी तरह की मेरे पास कोई आई नहीं, मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूँ कि आप वहाँ से नगद भी सामान ले सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं और EMI पर भी ले सकते हैं। ये तीनों ही ऑप्शन आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हैं। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने मोबाइल के, अपने चैनल के ऊपर उनके दोनों नंबर भी डाल दूंगा। कुल 3 नंबर हैं दोस्तों उनके, लेकिन मेरे पास 2 ही हैं, उनसे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं मेरे फ़ोन के अपने डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल के। तो श्री रविंद्र कुमार सैनी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो उस वीडियो को जरूर देखें, उनके कहने पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने आपको बताया दोस्तों कि 3 ऑप्शन से वहाँ आप सामान ले सकते हैं। पहला कैश पेमेंट यानी कि नकद, दूसरा है EMI इजी मनी इंस्टॉलमेंट, और तीसरा है उधार। और उधार ऐसा दोस्तों जो बाय हैंड आप दे सकते हैं, उसको उधार बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों ही ऑप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं जा करके, और सामान जो है आपको उचित दामों पर मिलेगा, क्योंकि पुरानी दुकान है उनकी और वो बंदे भी बहुत अच्छे हैं, दिल के भी अच्छे हैं और दिमाग के भी अच्छे हैं, कस्टमर से अच्छी तरह वो बात करते हैं, अच्छे रिलेशन है उनके सभी कस्टमर के साथ। हालांकि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है दोस्तों बनी हुई, ये वीडियो बना करके कोई उनकी मार्केट को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी दोस्तों इस वीडियो को जो लोग देखेंगे वो बढ़ावा तो देंगे ही। हालांकि उनकी मार्केट बहुत बड़ी बनी हुई है, ये वीडियो वो तो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे खास तौर से, मैंने कहा चलो भी बना देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, मुझे आपसे कुछ फिलहाल लेना नहीं, जब लेंगे तो देखा जाएगा। तो बहुत ही अच्छी नेचर है उनकी, वो बहुत ही अच्छी नेचर है उनकी, और मैं उनके घर भी आता जाता रहता हूँ, और मैंने भी उनसे काफ़ी ख़रीदारी की है। हालांकि अभी मुझे उनके पैसे देने को पड़े हैं दोस्तों, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ी गुंजाइश कम है, तो मैंने उनसे बोला था कि मैं दे दूंगा आपके पैसे, हालांकि वो कभी नहीं बोलते कि आप दीजिए, लेकिन मुझे तो फिक्र है दोस्तों, क्योंकि जिसके देने हैं दोनों हाथों को जोड़ करके देने हैं, ये नहीं हम किसी का पैसा खा करके दोस्तों बड़े हो जाते हैं, नहीं। और इतनी अच्छी नेचर है उनकी कि मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में दोस्तों, और मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ़ करने के लिए। और दूसरी बात, वो हमारे चाचा जी लगते हैं, लेकिन हमने आज तक उन्हें चाचा जी कहा नहीं, क्योंकि वो हमारे एक तरह से एज ओवर बंदे हैं, एज मेकर बंदे हैं, हमारी उम्र के हैं, 1-2 साल हमसे बड़े हैं, ज़्यादा नहीं, तो इसलिए हम उन्हें चाचा कहना पसंद नहीं करते, हम उन्हें भाई का ही तवज्जुब देते हैं, उनके पिताजी को हम चाचा जी कह देते हैं, ठीक है जी। तो आप वहाँ जा करके ख़रीदारी कर सकते हैं, सभी तरह का सामान आपको वहाँ पर मिल जाएगा, फ्रिज भी मिलेगा, कूलर भी मिलेगा, इन्वर्टर भी मिलेगा, AC भी मिलेगा, LCD भी मिलेगी, और भी बिजली का सामान है जो स्विच, एक्सेसरी, वायर वगैरह, बल्ब मिल सकते हैं, ट्यूब रॉड आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। और डिश भी लगाते हैं वो, मोबाइल भी रखते हैं, ठीक है जी। और बिजली का जितना भी सामान है सब आपको उनके पास मिल जाएगा, गीजर से लेकर के एक छोटे से पेंच तक, और उचित दामों पर मिलेगा दोस्तों, ये नहीं कि ज़्यादा दाम है उनके, उचित दामों पर वह सामान देते हैं। तो 1-2 बार आप वहाँ जा करके सामान खरीद करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल के ऊपर जाना, और कैसा अनुभव रहा वहाँ पर जाने का आपका, और किस तरह से जो है श्री रविंद्र सैनी ने आपकी खातिरदारी की, आओ भगत की,
और प्यार मोहब्बत से आपके साथ जो है बात की, तो बहुत ही अच्छा नेचर है उनका, मैं आज से नहीं जानता, कम से कम 15-20 साल से मैं उनको जानता हूँ दोस्तों, और वो मेरे साथ ही काम सीख करके बड़े हुए हैं, हम दोनों इकट्ठे ही काम सीखे थे, उन्होंने पंचकूला ITI की और मैंने यहाँ पर दुकानों पर काम सीखा था। तो मैं आपसे ज़रूर कहता हूँ दोस्तों और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल के ऊपर एक या दो बार ज़रूर विजिट करें, और जो मैंने तीनों तरीके आपको बताए हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा अपने चैनल के, तो आप वहाँ से ख़रीदारी करें और एक नया एक्सपीरियंस जो है वो लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, और श्री रविंदर सैनी जी को मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करें नीचे आकर के, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो किस तरह से बनी है, आपको पसंद आई है या नहीं आई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।